नमस्कार भाइयों, मैं प्रिंस आई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और आज दो तीन दिन से गांव पे ही हैं। आज भाई को बुलाए थे फ़ोन करके, लेकिन थोड़ी व्यस्तता थी तो यहाँ नहीं आ पाए। आज तो अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर, मकसद तो एक ही है दोनों लोगों का, कि आप तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए। कहीं पे वो जाते हैं, कहीं हम नहीं जा पाते हैं, कहीं पे वो रहते हैं तो वो कवर करते हैं। तो यहाँ तो गाँव पर अपने आना मेरा भी, इधर जब से काम हो रहा है तब से थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं तो कम ही आते थे गांव की तरफ। तो सोचा एक आपको अपडेट दिया जाए, छोटा छोटा जो भी है, कोई भी चीज़ छूटे ना। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट अच्छे अच्छे करें। खैर, कमेंट तो आप लोग अच्छे अच्छे ही करते हैं और हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ, मैं सफल रहूँगा तो मुझे देख के सब लोग उसी चीज़ की प्रेरणा लेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं विफल हो जाऊंगा तो मुझे जहां तक लगता है कि लगभग लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि तमाम ट्रेनर भाई भी हैं जो पूरी आस लगा करके हमको देख रहे हैं। तो इसलिए कहूंगा कि आपके उत्साह हमारा बढ़ाते रहिए, ठीक। तो आज अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो एक सोचा कि छोटा सा आपको अपडेट दे दिया जाए। अपडेट क्या देना था, जैसे कि ये चीज़ आप सब लोग जानते हो, जो सॉकेट आता है पानी बंद करने वाला, लीवर, ये कभी भी यूज करें आप। ये बहुत हैवी है, ये इतना हैवी है ये कि जिसकी सीमा नहीं कोई, ये लगभग इसका 3 किलो से ऊपर वजन है। अब इसको सेट कहाँ करना है आपको लाइए दिखाते हैं। इस बार आम नहीं फरेगा, फरेगा। ये सॉकेट जो यहाँ पे हाउस बनेगा जिसमें पानी निकलेगा, ये सॉकेट उस हाउस के अंदर पाइप में सेट रहेगा। उसके बाद इस पाइप से पाइप निकलेगी और वो जो आउटलेट वाली पाइप बनती है वो सेट होगी, कारण ये हमेशा खुला रहेगा। लेकिन जब भी हमको कुछ इमरजेंसी पड़ती है, मान लीजिए वो फेल कर गया, तो इससे हम बंद कर देंगे, उसकी मरम्मत कर लेंगे। और इसका एक लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक सिस्टम मैं बना रहा हूँ, चारों टैंक एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, अंडरग्राउंड कनेक्टेड रहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, लीवर घुमाना है, लीवर बंद करना है। इस टैंक का पानी अगर मुझे चौथे टैंक में भेजना है, ये लीवर यहाँ से खोल दिया, बाकी का सबका लीवर बंद कर दिया अपने आप। मान लो इसमें 5 फुट पानी है, उसमें पानी नहीं, हमको यहाँ इसमें का पानी उसमें भेजना है ग्रेडिंग करने के बाद, तो तुरंत इसको खोलूँगा, आधा पानी तुरंत उसमें चला जाएगा। आप ऑटो बैलेंस अपने आप लेवल मेंटेन कर लेगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पानी अपना लेवल हमेशा मेंटेन करता है। तो ये ऐसे मतलब सिस्टम लगा रहा हूँ, वो दिखाऊंगा आपको, अपडेट करूंगा कि एक टैंक एक दूसरे की, मान लो 3 लाख लीटर की क्षमता, इतना आसान तो है नहीं पानी निकालना। अब फिर से ऊपर से लगा करके मोटर एनर्जी कंज्यूम करूँ, पानी इसमें से उसमें करूँ, तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो एक चीज़ मैं करता हूँ इसमें कि ये इसमें बैलेंसिंग सिस्टम लगाऊंगा कि आधा जो पानी है, अगर 5 फीट है, तो अगर मैं चाहूँ इस टैंक का उस टैंक में पानी भेजना, चाहे किसी का किसी में भेजना, तो सिर्फ एक लीवर घुमाना रहेगा, पानी अपने आप बैलेंस कर लेगा। तो वो चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं। और दूसरी चीज़ इसके बारे में ये बतानी थी कि क्वालिटी हमेशा इसका बेहतरीन लीजिएगा, कभी अच्छे से अच्छी क्वालिटी लीजिएगा, और प्लास्टिक का रखिएगा इसको, हमेशा प्लास्टिक का। और इस समय काम भी मेरा रुक गया है, समस्या आ गई कि जो ईंट हमको चाहिए था, ईंट मिल नहीं रहा है। इसमें ईंट बिछाना है लगभग, एक में चार चार टाली ईंट लगनी है, तो उसकी मुझे समस्या आ रही है, थोड़ा मिल नहीं रहा है। लोकल में इधर काफ़ी जितने भी भट्टे हैं ईंट वाले, मैंने खोज लिया, लेकिन कहीं पे मिल नहीं रहा है। तो फोन आ रहा क्या, कहीं पे मिल नहीं रहा, इसकी वजह से मेरा कल से काम रुका और मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ। इस समय परेशानी है मुझे पैदल, जिस स्पीड से मैं काम करवाता हूँ उस स्पीड से काम करवा नहीं पा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये 4 टैंक है, चारों टैंक लाइए ऊपर जाके एक बार दिखाइए, इसमें चारों का जो बैलेंसिंग हुआ है। ये टैंक नंबर 1 है, चलते हैं। ये टैंक नंबर 3 है,
और ये टैंक नंबर 4 है, पीछे बचा के गिर जाएंगे। टैंक नंबर 4 है, आप देख सकते हैं कि इसकी लेबलिंग करके ईंटें की कुटैया करके रख दी गई है। सिर्फ परेशानी क्या आ गई ईंटें की, सोचा कि खड़ा ईंटा बिछा के करूँगा, लेकिन खड़ा ईंटा 12,000-13,000 रुपये टाली हमारे वहाँ ईंटा है, और एक में 4 टाली ईंटा लगेगा तो लगभग 50,000 का ईंटा लग जाएगा, लगभग 50,000 से कम का ईंटा नहीं लगेगा। तो और यही टुकड़ा डलवाऊँगा तो 3,500 से 4,000 रुपये टाली है, वो चीज़ हमारा 16,000 में हो जाना है, तो क्यों खर्चा करूं? चलो 10 दिन लेट ही सही, 10 दिन बाद काम होगा। तो थोड़ी परेशानी इसलिए थी कि मैं सोचा था कि सेकेंड वीक मार्च में मैं बच्चा डाल दूंगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखता हूं लास्ट वीक हो जाएगा मार्च का, इसलिए काफ़ी परेशान था। तो सोचा कि अपडेट आपको दिया जाए। अब इसकी बैलेंसिंग सब हो गई, सिर्फ ईंट बिछा करके मसाला डाल करके सारा मेहनत वाला काम हो गया है। अगर ईंट मिल जाए तो ईंट बिछाने में मुझे लगता है 2 दिन में चारों का ईंट बिछ जाएगा, और 2 दिन में सारा काम भी मशीन लगा के करवा के ओके करवा दूंगा। लेकिन समस्या आ रही है तमाम चीज़ों की कि अभी ईंट नहीं मिला, इसकी वजह से मैं हाउस भी नहीं बनवा रहा हूँ, जगह नहीं मिलेगी गाड़ी ले जाने के लिए। और मार्च के महीने से, मार्च में बच्चा डालने के बाद अप्रैल लास्ट से आपका आशीर्वाद बना रहेगा, आपकी दुआएं काम करती रहेंगी। तो उस तरफ 80,000 लीटर के 8 टैंक और निर्माण करवाने जा रहा हूँ उस साइड में, 80,000 लीटर के 8 टैंक स्क्वायर वाले में, वो इसके सपोर्टिंग के लिए रहेगा। और बाकी छोटे टैंक की तो गिनती नहीं है कि 10,000 लीटर का 10-20 कितना लगेगा। ऑलरेडी मेरे पास 8 टैंक है पहले से ही, तो वो भी 8 यहीं पे सेटअप कर दूंगा मैं। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमेशा कमेंट अच्छा करिए, हौसला बढ़ाते रहिए। और भाइयों आप साथ में हमेशा बने रहिए, इससे कोई बहुत आपको खास बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं आने वाला है, और ज्ञान की बातें आपको दिखाऊंगा जब इसमें बच्चा डाल दूंगा तब। और इस चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ मैं लूँगा इसमें, और एक टैंक से 90 से 100 कुंटल की मछली निकालूंगा, और उसका भी आपको अपडेट दूंगा, निश्चित दूंगा, और निकलेगा भी, इस बात के दावे के साथ मैं बोलता हूँ निकलेगा भी। नहीं निकलता तो मेरे जैसा पागल ही होगा कि जो इसमें 200,00,000 रुपया फंसा करके इसको चालू करने जा रहा है। अभी इसको चालू करने में अभी रूट ब्लोअर लगाना है, मशीन लगानी है, इसकी पाइपिंग करनी है, इसकी इसका सेड करना है, लगभग 22,00,000 रुपये का खर्चा जा रहा है। सब कुछ रेडी करने में लगभग 20 से 22,00,000 रुपये का खर्चा जा रहा है इसमें, सारा कुछ रेडी करने में। उसके बाद उसमें सीड डालना है, सीड डालने के बाद उनके दाने की व्यवस्था करनी है। तो भाई ये हमारा अपना एक कॉन्फिडेंस हमने किया है, लिया है, तब मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, अन्यथा नहीं करने का हिम्मत करता। कुछ लोग इनडायरेक्टली हम लोगों को टारगेट करके बोलते हैं कि ज्ञानी बाबा लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। भाई हमने गूगल से ज्ञान नहीं लिया है, आपको मैं कभी बोलता नहीं हूँ किसी के बारे में, लेकिन आज बोलने पर आप लोग मजबूर करते हैं। मैंने गूगल से पढ़ के नहीं ज्ञान ले लिया है। अगर गूगल से पढ़ के कोई किक बॉक्सिंग सीख जाए तो फिर वो बॉक्सर बेकार है जो प्रैक्टिस करके सीखता है। हमने किया है, प्रैक्टिस किया है, सीखा है, तब मैं इस तरह का करने के लिए आया भी कि आप अप्रैल लास्ट तक देखो, ये हवा है बात नहीं है। गणेश भाई वहाँ पे टैंक अपना वो बनवाएंगे, वो भी सेम बनवा रहे हैं टैंक, 4 टैंक लगवा रहे हैं। ठीक अप्रैल के लास्ट में 80,000 लीटर का 8 टैंक और मेरा बनने जा रहा है, वो सीड स्टॉकिंग के लिए रहेगा हमेशा मेरा, और यहीं सामने फ्रंट पे ही बनवाएंगे। 10,000 लीटर का मेरे पास 8 टैंक ऑलरेडी है, 3 में तो मैंने सक्सेसफुली कल्चर करके निकाला है। 8 टैंक 10,000 लीटर का रहेगा, वो तो यही मार्च में ही लगवा दूंगा मैं, और उसके बाद 80,000 लीटर का टैंक रहेगा। तो टैंक बनवा कर नहाने के लिए नहीं लगवा रहा हूँ कि यहाँ पे आकर कोई इतना पैसा लगा करके यहाँ पे नहाएगा, ये लगा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, और मुझे कॉन्फिडेंस है पैसा कमाने के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सबको फ्री में वो करने के, उस लोग बोलते हैं आप लोग ट्रेनिंग चमकाने के लिए, तमाम लोग बोलते हैं, तो भाई किसको पैसा काटता, कौन नहीं पैसा कमाना चाहता, माध्यम जो भी हो सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। आजकल के समय में ईमानदार वही है जो बेईमानी करने का मौका नहीं पाया है। हाँ आप पैसा कमाइए, लेकिन पैसा कमाइए, लेकिन साथ में ये भी लोगों को लगे कि आपने उनको कुछ दिया है, कुछ जानकारियाँ उनको दी हैं, कुछ चीज़ें दी हैं। आप कुछ भी बताए जा रहे हो अनाप शनाप, पढ़ पढ़ के गूगल पे, एक दिन आज पढ़े कि ऐसे अमोनिया कम होगा, कल पढ़े ऐसे NO2 कम होगा, कल पढ़े ऐसे, तो कुछ भी रोज एक कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाते हो आप, ऐसे कम करिए, कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार जब सीख लो, प्रैक्टिकल करोगे, एक सीजन के बाद
आप खुद मास्टर बन जाओगे, खुद ट्रेनर। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं इसमें बताने वाली, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखना है। लोग बड़ी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखवा रहे हैं, छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखवा रहे, वहीं से फेल हो जाते हैं लोग। आपकी बिल्डिंग, आपकी इमारत तभी खड़ी होगी, जब उसका न्यू उस तरह का रहेगा। न्यू कमज़ोर रहेगा तो उस पर बिल्डिंग आप कहाँ खड़ी कर पाओगे। एक छोटा सा किसी भी पौधे का बीज होता है, उसमें पूरा पेड़ रहता है, उसी से पेड़ पूरा बड़ा होता है। तो आपको छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना है इसमें। तमाम दुनिया भर का अनाप शनाप मैं आपको सामने ही दिखाऊंगा कि कैसे इसका ड्रेनेज पानी निकालना, हवा हवाई नहीं कि मैं ट्रेनिंग के लिए उसको रखूंगा। मैं एक एक चीज़ का अपडेट दूंगा डियर, मैं एक एक चीज़ का अपडेट दूंगा, आपसे कोई चीज़ छुपाने वाला नहीं हूं, एक चीज़ नहीं छुपाऊंगा। मुझे जो लगता है कि आपको आवश्यकता है, जो जाननी चाहिए, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। कैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा, कैसे एक पानी को कितने दिन तक यूज़ करना है, क्या करना है, सारी चीज़ आप बस बने रहिए। एक एक चीज़ कहीं से कोई चीज़ छूटने वाली नहीं है। हाँ भाई बता रहा हूँ, अगर आप ट्रेनिंग की बात बार बार आती है ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग सब लोग दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्रेनिंग, तो मैं बार बार कहता हूँ एक बंदे से, अभी फिर मैं बोलता हूँ, आप भाई मुझे ऑर्गेनाइज करा करके बुलाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई ट्रेनिंग आ करके दूंगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में बोलता हूँ, आप ऑर्गेनाइज कराओ कहीं भी। अगर जो व्यक्ति बोलता है कि आप फ्री ट्रेनिंग दो, आप वहाँ पे लोगों को बुलाओ, आप उनसे समझो क्या कैसे करना है, मेरा काम क्या रहेगा, आप मुझे आने जाने का बस किराया भाड़ा दे देना, मैं आके फ्री ऑफ कॉस्ट में 2 दिन ट्रेनिंग दूंगा, मेरे रहने का इंतजाम कर देना बस, हम और गणेश भाई आएंगे, दोनों लोग ट्रेनिंग देंगे आपको। नहीं, लेकिन अब आती है बात कि मैं अपने वहाँ ट्रेनिंग कराने वाली, तो भाई कोई चीज़ करने में, मेहनत करने में समय लगता है। एक छोटी सी चीज़ समझो, अभी एक मशीन मंगाने वाला हूँ, उसकी कीमत 22-23 हज़ार रुपये की कीमत है। वो काम किया तो आपको दिखा दूंगा कि हाँ भाई इतना काम कर रहा है, आप खरीद लोगे। फेल मार गया तो आप मुझे कोई देने आओगे पैसा उसका? कोई नहीं मुझे देने आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं ले करके आया कैप्सूल मॉडल, तो मुझे जहाँ तक की पता है कि पूरे भारत में इतना बड़ा टैंक कैप्सूल का नहीं, अगर है तो बायोफ्लॉक का नहीं। इस चीज़ का मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में बायोफ्लॉक के लिए इतना बड़ा टैंक अभी नहीं निर्माण हुआ है। कारण है, श्रिम्प के लिए है, मछलियों के लिए नहीं है बायोफ्लॉक का टैंक कहीं भी। क्योंकि अभी बायोफ्लॉक को साउथ में तो कुछ लोग मान लीजिए श्रिम्प पे 2014-13 से काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट का दो हैं जो मछली भी पालते हैं, लेकिन वो बताए नहीं कभी, वो ये नहीं चाहते थे कि लोग जाने। भाई नहीं कहे यूट्यूब पे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इससे बड़ा टैंक बायोफ्लॉक का, इससे बड़ा बड़ा टैंक 3-3 लाख लीटर का पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। रही बात कि मुझे 99.99% मैं श्योर हूँ कि मैं 100% सक्सेस हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उस लेवल की जानकारी दूंगा मैं। तो मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा, चाहे गणेश भाई का, हम लोगों ने किया, इतना वर्क किया है भाई, गूगल से नहीं पढ़ा, पहले से मैं इस फील्ड में हूँ, बहुत पहले से इस फील्ड में हूँ मछली पालन में। आपको सीखना है कि बच्चों को सैनिटाइज कैसे करना, क्या करना है। मैं बायोफ्लॉक का एक छोटा सा ट्रिक है जहाँ सब लोग जा करके फेल हो रहे हैं, और वो बच्चा डालते हुए मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज़ को। आप बार बार दावा करते हैं इस चीज़ को, वीडियो लंबा हो गया क्या सर? नहीं, 8 मिनट। आप बार बार दावा करते हैं कि ये करिए वो करिए, बायोफ्लॉक टैंक में ऐसे करिए, ऐसे सैनिटाइज करिए, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जहाँ पे लोग फेल हो रहे हैं आकर के। आखिर में इतना अगर दावा किया जाता है बायोफ्लॉक के लिए कि इसमें मोर्टैलिटी नहीं है, इंडोनेशियन भी कहते हैं कि 90% सर्वाइवल रेट है, हर जगह कहते हैं, ब्राजीलियन भी कहते हैं 90% सर्वाइवल रेट है, मिनिमम मैक्सिमम की बात ही नहीं है, आप जितना बचा लो। लेकिन क्यों आखिर में मछलियाँ मर जा रही हैं? अभी तमाम भाइयों की मैंने एक वीडियो डाला कवई के ऊपर, आनन फानन कुछ सोचा नहीं, तमाम लोगों ने कवई उसमें डाल दिया, और मुझे कहीं से जानकारी भी मिली है, दो चार ट्रेनर हैं जिनकी कवई पूरी ख़त्म हो गई है, मर भी चुकी है उन लोगों की, भाई उनकी भी मरी है, हमारी भी मरनी शुरू हो गई थी कवई ठंड की वजह से, हमने उसको ले जाकर के तालाब में फेंकवा दिया। तो छोटी छोटी चीज़ डाटा है जो समय समय से आते रहते हैं, आपको अपडेट मिलता रहता है। और अभी आप देखा होगा सिंघी ने, आपने देखा होगा कि सिंघी 12 डिग्री सेल्सियस में उसी तरह पानी में पड़ी हुई, खुले आसमान के नीचे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी हो गई, छोटी रहेगी तो मर जाएगी, बड़ी हो गई इसलिए नहीं मर रही है। तो आपसे कोई भी चीज़ छुपाया नहीं जाएगा, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। और भाइयों, एक ट्रेनर भाई हैं हमारे, नाम क्या लें उनका, मजबूर करते हैं लोग खिंचाई पे, ये बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी से बनाने के लिए नहीं बोला, जो यूरोकुलम मेथड होता है जिससे बनता है, तो वो बहुत आसान प्रक्रिया और उसकी क्षमता अच्छी नहीं होती है। योरम साहब ने अगर जिक्र किया है कहीं बनाने के लिए, श्रिम्प में अक्सर होता है, तो प्रोबायोटिक्स भी पड़ते हैं उसके साथ, 1-2 किलो 10,000 के लीटर में 2-3 किलो मिट्टी पड़ती है, साफ तालाब की चाहे साफ खेत की चिकनी मिट्टी जो आती है, यह नहीं कि उससे सिर्फ आप बना लेंगे कल्चर कर लेंगे।
और जो होममेड हम लोग प्रोबायोटिक बहुत बनाना आसान है, बहुत बनाना आसान है। आप जो होममेड में प्रोबायोटिक की बार बार बात करता हूँ, उसकी कॉस्टिंग मुश्किल से आती है। आप ये समझो कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, किसी की प्रोबायोटिक अगर एक किलो का 2000 का है, 1500 का है, तो उनका जो 1500 का एक किलो का प्रोबायोटिक आएगा होममेड आप बनाओगे तो वो 100 kg का 1500 रुपये आता है, 100 kg का 1500 रुपये आता है। इतना कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत हल्का, बहुत सस्ता पड़ता है वो दाम। और एक क्या उनको बोलेंगे, कदने से भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि एक मुंबई का बंदा बताया था कि उन्होंने होममेड बनाया था तो 1 क्विंटल तक काम चला, उसके बाद फ्लॉप हो गया। अरे यार, याकुल्ट का बोतल मैं दिखा दिया हूँ तो उसे याकुल्ट से नहीं बन जाता है, बस सिर्फ याकुल्ट दिखा देने से, कि याकुल्ट आप वीडियो पे डाल दियो कि याकुल्ट होममेड, तो वो याकुल्ट से नहीं बनता। लैक्टोबैसिलस की ज़रूरत नहीं बहुत होती हो तो बस डाला जाता है उसमें, बैसिलस ग्रुप में लैक्टोबैसिलस की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। जो आप याकुल्ट दिखा करके बोल रहे हो कि होममेड काम नहीं करेगा, होममेड जितना ज़बरदस्त काम करता है, कोई भी प्रोबायोटिक की क्षमता उतनी नहीं होती, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को। और बहुत सस्ता बनता है। अगर किसी का भी प्रोबायोटिक है, 1 किलो प्रोबायोटिक में लगभग 1000 लीटर वो बनता है, 1 किलो प्रोबायोटिक लगता है और तमाम मटेरियल्स लगते हैं, और उनसे ज़्यादा पावरफुल बनता है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे अभी एक आ गया सिस्टम नया FCO बनाने के लिए, तमाम वीडियो पड़ रहा है कि FCO को लेकर के, कि FCO से बैक्टीरिया डबल काउंटिंग, 3-4 ऐसे करती मल्टीप्लाई करती जाती है, आप डालते जाइए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग बता रहे हैं, मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपसे कि आप होममेड जो बना रहे हो उससे भी सस्ता पड़ रहा है आपका। और FCO हो कहीं टिकता नहीं उसके आगे। 10 लीटर FCO आप टैंक में डालोगे और 1 लीटर होममेड डाल दोगे ना, उनका बाप है। और 100% काम करता है, 100%। आज भी इंडोनेशिया हो चाहे ब्राज़ील हो, वहाँ के 40-50% फार्म इसी पे चलते हैं, होममेड ही वो लोग बनाते हैं। होममेड बनाने का मतलब कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं आपको, लेकिन वो बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं। हम घर में जो खाते उन्हीं चीज़ों से बन जाता है वो। मैंने होममेड का आपको दिखाया भी, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कंट्रोलिंग करने की, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग होती है, पैथोजेंस नहीं बनने देते हैं टैंक में। उनसे बढ़िया मैं प्रोबायोटिक, पैसा गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इतनी चीज़ें महंगी यूज करोगे तो मैं कैसे मान लूँ कि तालाब से कम इसमें कॉस्टिंग लगने वाली है? नहीं लगेगी कॉस्टिंग, नहीं बचा पाओगे 50 रुपये KG, पीछे 60 रुपया आपका 1,00,000 रुपये का प्रोबायोटिक लग जाएगा। अगर आप FCO भी बनाते हो, मैंने कहा FCO अच्छा है, जहाँ 1,00,000 रुपये खर्चा होने थे FCO में 50,000 होगा, लेकिन मैं इस बात को फिर कहता हूँ कि 10,000 सिर्फ होममेड प्रोबायोटिक में खर्चा होता है, और उससे बढ़िया कैपेसिटी क्षमता किसी की नहीं होती है। आप कहीं भी करके देख लीजिए यार, आप जो भाई जो लोग हमारे वहाँ आए होंगे ट्रेनिंग में देखे होंगे होममेड का बना के हमने यूज़ करवाया है। तो बस ऐसे ही थोड़ा मोड़ा मैंने कहा कि आपको बताया जाए कि किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना, और लास्ट तक एकदम वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐसी बताऊँगा और उस चीज़ पर मैं इस चीज़ की गारंटी भी दूंगा लोगों को कि अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो 100% सर मोर्टैलिटी नहीं होनी है, कोई बीमारी नहीं आनी है, निश्चित नहीं आएगी कोई बीमारी। अगर आपका नींव कमज़ोर रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर का जितना बनेगा बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, तो यही चीज़ें होती हैं। आप टैंक में डालते हो, अच्छा एक छोटी सी चीज़, जैसे आप एक छोटी सी चीज़ जान लो, आप जैसे अगर बच्चे आते हैं, बच्चे के शरीर में थोड़ा सा भी कहीं से पैरासाइट्स फंगल लगे हुए हैं, आप उनको ट्रीटमेंट दे करके टैंक में डाल रहे हो, नहीं ख़त्म हुआ उनका, तो जैसे अच्छी बैक्टीरिया को कार्बन चाहिए पड़ा, तो जैसे अच्छी बैक्टीरिया को कार्बन चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो बुरी बैक्टीरिया भी कार्बन में बहुत तेज डेवलप होती है सर। ये चीज़ लोग नहीं बताए हैं, छोटी सी चीज़ है, मैं जानता हूँ नहीं बताए क्या बोला जाए। जैसे अच्छी बैक्टीरिया जो हम इसमें यूज करते हैं, उनको अगर कार्बन चाहिए 2×4, 4×8 करने के लिए, तो वैसे ही जो बुरी बैक्टीरिया होती है उनको भी 2×4, 4×8 चाहिए कार्बन सोर्स अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो होता क्या है, जब भी हम बच्चा डालते हैं टैंक में ले जा करके, और बच्चे पे थोड़ा सा भी कहीं से संभावना होता है कि हाँ इन्फेक्टेड हैं, तो आप देखना सादे टैंक के पानी में आप रखो, वो बच्चा नहीं मरता है, लेकिन बायोफ्लॉक टैंक में
जो बच्चा उसमें 10 दिन में मरना शुरू होता है, बायोफ्लॉक में 24 घंटे के बाद मरना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे हमेशा उसमें, ठीक है। आपको अपडेट देंगे बाद में, धीरे धीरे सब अपडेट देंगे, कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं। कुछ जो छोटी चीज़ें हैं छुपा करके रखेंगे बहुरूपियों से बचाने के लिए। तमाम बहुरूपियाँ हैं अपने आप को, सब मास्टर बने हुए हैं, हम भी मास्टर बने हुए हैं, हम भी उन बहुरूपियों में हैं, लेकिन उन बहुरूपियों से हमारे में बहुत गलीमत है। हम आपके सामने कल्चर करने जा रहे हैं, दो टैंक डाल करके दो मछली निकाल करके नहीं दिखाते हैं। ये स्विमिंग पूल नहाने के लिए नहीं बनाया, और जो अभी बनाने जा रहे हैं वो भी नहाने के लिए नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है भाइयों, ठीक है। नमस्कार, अगर कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा, अगर अधिक बोल गया हो तो क्षमा करिए भाई।